नमस्कार, हाजिरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका कौशल और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर हैं। हालांकि उनका परिचय बहुत लंबा है, इस पूरे शो के दौरान आप बहुत कुछ जानेंगे उनके बारे में। उनसे सवाल करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों की पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका भी। सर, जजेस आपसे सवाल करें, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। एक स्वाभाविक सवाल हमेशा से उठता रहा है मेरे मन में कि बहुत बेबाकी से आप अपनी बात रखने के लिए मशहूर हैं। कई बार पार्टी के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ भी बातें आपने रखी हैं, विधानसभा में भी हमने कहते हुए सुना है कई बार आपको। जब आप बोल रहे होते हैं तो आपको लगता नहीं पार्टी भी आप पे अटैक करेगी? देखिए, न तो मैं सरकार के विरुद्ध बोला करूँ जी, न पार्टी के विरुद्ध। जो सामने तथ्य आ जाता है उसको मैं छिपाना भी नहीं चाहता। दूसरी बात है कि जो सही तथ्य है सही बोलने की कोशिश करता हूँ, तो छुपाने की भी कोशिश नहीं करता जी। इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई सही बोल रहा है, सरकार के विरुद्ध हो सकता है जाता हो जी, लेकिन जो तथ्य है उसको अगर बोलता हो तो सामने वालों को उसको संभालना चाहिए। नहीं, एक बार मेरे को याद आता है वाकया, विधानसभा में आप जब गृह मंत्री थे और आपके रहते, कई बार आपने खुद भी अपनी एक जांच टीम बनाई, चाहे वो शराब आपने बेचने वालों को, अवैध शराब कारोबारियों पे आपने अटैक किया हो या दूसरी चीजें, कई बार विधानसभा में आपने खड़े होकर पुलिस के खिलाफ भी, मतलब खिलाफ शब्द मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, हो सकता है आप उससे वास्ता ना रखें, लेकिन फिर भी पुलिस को भी आपने आड़े हाथों लिया, जो आप जिस विभाग के मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे आप। तो ये जज्बा जो बहुत अच्छा है, सलाम करते हैं हम लोग, सारे पत्रकार भी तारीफ करते हैं आपकी, लेकिन फिर भी मैंने देखा नहीं आमतौर पर मंत्रियों को कि वो खड़े होकर अपने विभाग को ही इस तरह से फटकार लगाएं। आपने बताया वो सही बात है कि एक बार विपक्ष ने कहा कि 10,000 रुपये एक दुकान कर लेते हैं पुलिस वाले या कोई भी हो, तो मैंने उसको स्वीकार किया। मैंने भी बताया कि अगर इस तरह से शिकायत आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और करता भी था। तो उसका परिणाम हुआ कि आपने देखा होगा उस समय नशाबंदी के संबंध में लोग जागरूक हुए थे और कसावट आती है इससे, है ना। चाहे मैं जिस भी विभाग में रहा, चाहे मध्य प्रदेश में रहा, चाहे छत्तीसगढ़ में, कितना कसावट आया होगा तो आप समझते हैं जी। एक सर, इसका कारण वही है जी, हाँ, कि सही बात को स्वीकारना चाहिए। बहुत अच्छी एक चीज मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगी, जैसे सवाल करें कि आपने जो अभियान शराबबंदी को लेकर चलाया था गृहमंत्री रहते, बाद में सरकार ने तो बहुत सारे काम किए उस पे, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं वो गृहमंत्री के बंगले से बहुत ही व्यक्तिगत रूप से उस अभियान की शुरुआत हुई थी। और आप अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई कर रहे थे, आप महिलाओं को प्रेरित और जागृत कर रहे थे कि वो रोकें कोचियों को, शराब बेचने वालों को। वो क्या सोचा था आपने कि आगे जाके रमन सिंह उसको बहुत बड़े पैमाने पर ले जाएंगे? नहीं देखिए, इसको तो मैं बहुत पहले 2004 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला था, डॉक्टर साहब को, कि कम से कम जो आदिवासियों को छूट दिया गया है, हालांकि केंद्र शासन से आदेशित था जी, तो उनको कहा था कि आदिवासियों को जो छूट मिला है वो बंद होना चाहिए। और शराबबंदी का तो धीरे धीरे बोला ही था, एक बार आदिवासी सम्मेलन मेला ही में हुआ था, उसमें कम से कम 1,00,000 से कम भीड़ नहीं रहा होगा। तो इस विषय में मैं बात किया तो पूरा ताली किसी भी समय नहीं बजा होगा उस दिन, उसमें ताली बजा था नशाबंदी के संबंध में। तो मैंने एक तो देखा है कि नशा के कारण आदमी कितना बर्बाद होता है, हमने तो देखा है कि बड़े बड़े मालगुजार जमींदार नशा के कारण बर्बाद हो गए और पूरा परिवार बर्बाद होता है। इसलिए मेरे मन में ये होता था कि नहीं बचाया जाए परिवार को, तो इस कारण से मैं इसको शुरुआत। और सत्ता का नशा होता है तो फिर क्या बर्बाद होता है, समाज पूरा? नहीं नहीं, मत बताए ना, समाज के लोग तालियां नहीं। अगर मैं सत्ता के नशे की बात कर रही हूँ, ये तो शराब का नशा हो गया, सत्ता का भी नशा होता है, दिखता भी है कभी कभी। अब आप ये क्या पूछना चाहते हैं कि आदिवासी को ऐसा नहीं है तो? जी, नशा तो अब नशा है, जिसको लग जाए जी, लेकिन नहीं आपको नहीं कभी लगा, इसलिए तो मैं आपसे पूछ भी रही हूँ। सर, जजेस को मैं देना चाहती हूँ कि नंदकीराम जी, आप संघ से हैं, जनसंघ से हैं, और कभी कहा जाता था भाजपा जो है पार्टी विद द डिफरेंस, आज आपको क्या लगता है कि भाजपा वही है जो जिस पीढ़ी में जो आप लोगों ने संघर्ष किया, जब विपक्ष में थे, जब सत्ता में आए पहली बार, चाहे सकलेजा जी का कार्यकाल हो, चाहे पटवन जी का कार्यकाल, उस समय जो मंत्रियों की सुचिता थी, जो प्रशासनिक सक्षमता थी, वो क्या आपको आज दिखती, क्या आपको ऐसा लगता है सब कुछ वैसी है या सब कुछ बदल गया है, कांग्रेस और भाजपा में फर्क नहीं रहा? इसमें तो हम पेपर में देखते हैं, आप मीडिया में देखते हैं, अच्छा अच्छा दिखता है। नहीं, आपको क्या लगता है सर, दोनों पार्टियां बराबर है कि नहीं? मैं बोलता हूं
कहीं ना कहीं, लेकिन बीजेपी पार्टी भी डिफरेंस का जो टैगलाइन था उसका, वो ऐसा लगता है कि उससे दूर होती जा रही है। अभी जो नए मंत्री आए हैं, आप लोगों ने त्याग किया, आप लोगों ने दिया, समाज को दिया, आपने देना सीखा, अभी सब लेना ही सीख रहे हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे मन में या मुझको जो नाम जानकारी है वो आपको होना चाहिए, मीडिया को। तो वही चाहते हैं हम, आपके आपकी जो जानकारी हमारे माध्यम से जनता तक भी जाए। नहीं, अब मैं कहूँगा तो जो आपने पहले प्रश्न किया कि मैं सरकार के विरुद्ध बोलता हूँ, तो अच्छा नहीं रहेगा। कुमार जी, आपको पहले ये आशंका थी टिकट नहीं मिल रही है, ऐसी चर्चा थी। अभी अमित शाह ने भोपाल में बोल दिया कि अब 75 साल से बाद को भी टिकट दे सकते हैं, तो आपकी एक संभावना बन रही है, तो ये टिकट को लेकर मापदंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए? नहीं नहीं, देखिए क्या बोलते हैं, मैंने ये रायपुर की ही वर्षन था, किसी साथी ने मुझको पूछा कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे? मैं कहा चुनाव लड़ूंगा। बोले आपको टिकट नहीं देंगे? मैं कहीं देंगे मुझको, क्योंकि मेरा रिपोर्ट तो मैंने नेगेटिव आया नहीं, सब पॉजिटिव है, चाहे स्टेट का हो, चाहे क्या बोलते हैं केंद्र का हो, केंद्र के ने भी पॉजिटिव भेजा है। तो मैं उस दिन बोला था, अब इसमें ये आ गए क्या बोलते हैं टिकट नहीं देने की बात, तो टिकट देंगे ही, मैं मेरा पर्सन था। नहीं, पहले पार्टी कह रही थी ना कि जी किनारे करने की एक मुहिम सी थी, वो माना जाता है। नहीं, इस सब इसमें मैंने ये भी बोला था कि उस दिन की वर्षन बतला रहा हूँ कि अगर इससे ये अगर क्राइटेरिया होगा तो निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान होगा, ये मैं बोला था। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे इसको माननीय अध्यक्ष जी ने सब्साइड किया है कि नहीं क्या बोलते हैं उम्र का लिहाज नहीं, वो नहीं किया जाएगा। सर, मेरा नहीं, मेरा एक सवाल है, आप ट्राइबल लीडर हैं और लंबे समय से ट्राइबल लीडर्स को लेके ये बात उठती है कि उनकी पोजीशन ठीक नहीं होती कई बार, मतलब उनको बेहतर पोजीशन देना चाहिए, अभी वर्तमान स्थिति में कैसे देखते हैं आप ट्राइबल लीडरशिप को? क्या आदिवासियों के संबंध जी है? नहीं, आदिवासियों के संबंध में देखिए, ऐसा जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, उसको सब दबाने की कोशिश करते हैं। तो आदिवासी वैसे कमजोर है, मान कर लोग चलते हैं, लेकिन कमजोर नहीं है, यह है कि सीधे पन का फायदा उठा लेते हैं। नहीं, लेकिन आदिवासी बहुल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का जन्म इस आधार पे हुआ, हमेशा से मांग की जाती रही कि मुख्यमंत्री आदिवासी हो, अब तो छत्तीसगढ़ बने ही 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन आप कह भी रहे हो कि कमजोर नहीं आदिवासी, कमजोर समझा जाता है उसको, तो उसने बताया कहाँ की ताकतवर है वो, बताया भी तो नहीं। नहीं नहीं, देखिए भाई, इसके लिए बोल रहा हूँ, प्रजातंत्र में जहाँ मुख्यमंत्री की बात आप बोल रहे हैं, प्रजातंत्र में तो मेजॉरिटी ग्रांटेड है ना, बहुमत का महत्व है, तो मुख्यमंत्री कौन चुनता है? विधायक जी। तो मुख्यमंत्री चुनने वाले बहुमत जिसका होगा उसको, ये बिल्कुल पक्की बात है कि विधायक ही चुनते मुख्यमंत्री। तो ऐसा तो आपको भी सीएम चुन लिया जाता शायद, क्योंकि सीट्स तो मेजॉरिटी, वो तो विधायकों के ऊपर है ना, वो नहीं चुनेंगे तो मैं तो नहीं बोलता कि सवाल ये है कि आदिवासी राज्य के नाम पे जब राज्य बना तो कांग्रेस के बड़े बड़े जो दिग्गज थे जिनके पास बहुमत था, सबको दरकिनार करके एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई जिसके आदिवासी होने पर भी सवाल थे। तो जो पार्टी कभी आदिवासियों की नहीं रही उसने आदिवासी के नाम पे किसी को भी कुर्सी दे दी, तो आपकी पार्टी को ऐसा क्या लग रहा है कि आदिवासियों को नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? मैं पार्टी कोई अलग से उनका सिद्धांत हो सकता है, लेकिन प्रजातंत्र में तो जो सिद्धांत है मेजॉरिटी ग्रांटेड, तो जो मेजॉरिटी उनका है उसको मानना पड़ेगा उनको। सर, एक ये जब विधानसभा इलेक्शन हुए और आदिवासी लीडर्स हारे बीजेपी के भी, तो ऐसा उस समय ये चला कि इनको जानबूझ के हरवाया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं भी नहीं जानती, शायद आप जानते हो, आप शायद हमें बता दें, और शायद आप बताना ना भी चाहें, दोनों ही बातें, लेकिन ये बात थी, चर्चा थी राजधानी में कि इनको टारगेट करके हरवाया गया है, तो ऐसा लगता है क्योंकि आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी छवि अच्छी है, आपने भी कहा आपका आपकी रिपोर्ट अच्छी आई, आपकी टिकट तो आपको मिलनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इलेक्शन कैसे हार गए आप? नहीं, इलेक्शन हारना और जीतना अलग मुद्दा है। नहीं, हरवाया गया कि ऐसा लगता है आपको? टिकट देना अलग मुद्दा है। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो मीडिया में आना चाहिए, मेरे तरफ से आया तो उसको महत्व। नहीं, मैं तो आपसे आप ही बता पाएंगे ना हुआ क्या था वहाँ पे, आपकी स्थिति तो आप बेहतर जानते होंगे।
क्या सारे मुख्यमंत्री पद के जो संभावित नाम थे, जो संभावित चेहरे थे, जो विकल्प हो सकते थे, तो धराशायी हुए इसी, वही धराशायी हुए। सामान्य में जितने दागी थे, जिन पर दुनिया भर के आरोप है, भ्रष्ट है, सब पूरी दुनिया कहती है कि आरोप भी है और अदालत में मुकदमे भी चल रहे, वो सब जीत गए। लेकिन जो साफ सुथरे थे, आप पर कोई दाग नहीं था, और भी आदिवासी नेता जो विकल्प हो सकते थे, सिर्फ वही हारे। इसमें मैं समझता हूँ कि अपन जनता के ऊपर इतना ब्लेम न करें। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मेरा सीधा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में जो सीनियर नेताओं की लीडरशिप थी, तो सीनियरिटी को खत्म किया गया क्या? नहीं, मैंने पहले ही आपको बताया था, निवेदन किया था कि अगर सीनियरिटी को खत्म करेंगे तो उसका नुकसान पिछले चुनाव में, और मेरे ख्याल से इसी कारण से जो यूपी में जो टिकट मिला उसके साथ तुलना करते हुए बाकी इधर उधर में भी क्या बोलते हैं लोग कर रहे हैं, अभी इससे समझ लीजिए क्या बोलते हैं, स्थिति क्या बनेगी। नहीं, मेरा सवाल ये है, पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर ट्राइबल क्षेत्र के नेता थे या आदर्श नेता थे, उनकी लीडरशिप को कुछ सोची समझी वाले प्लानिंग के तहत ऐसा तो नहीं कि उनको किनारे कर दिया गया? नहीं, तो इसलिए तो मैं बोला ना आपको, जैसे बस्तर में आप देख लिए हैं नुकसान हुआ, उठाना पड़ेगा पार्टी। जी जी, कुल मिला के अगर नजरअंदाज करेंगे वरिष्ठों को तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। कमर जी, मैंने हम लोगों ने देखा है कि एक पटवा गवर्नमेंट भी थी 1992 और 1990 के चुनाव में जो बनी सरकार, उसमें आप मंत्री भी थे। मैंने कृष्णलाल जागड़े का इंटरव्यू किया था, नंद कुमार साय से बात की थी, या आप थे, ये तीनों चारों ऐसे नेता जो उस समय के दौर से थे, और इनका ऐसा कहना था कि पार्टी में एक उच्च वर्ग का जो लीडर धड़ा है वह हमको दबाता है, हमको उठने नहीं देता है। कांग्रेस में भी विद्याचरण शुक्ल पर ये आरोप लगते रहे थे। आपको लगता है कि राज्य बनने के बाद इस तरह का जो वर्ग था, जो इस तरह के आरोप लगाता था, आदिवासी वर्ग है या सतनामी वर्ग है, ये अब ज़्यादा पावर में आया है या स्थिति वैसी की वैसी है, क्या है? नहीं देखिए, पावर तो शुरू से ही क्या बोलते हैं ऊँचे लोगों के ऊपर रहा है, मैंने जो ताकतवर, मैंने पहले निवेदन किया कि जो ताकतवर व्यक्ति है वो नीचे को दबाने की कोशिश हमेशा करता है, प्रकृति है। यानी आप देख लीजिए, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, वैसे ही यहाँ भी लागू होता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा अब मैंने पहले बतला दिया कि उसका परिणाम पार्टी को भोगना पड़ेगा। तो 50 से ज़्यादा विधायक आदिवासी वर्ग के, और उसके बाद भी यदि वो दब रहे हैं, तो ये माना जाए कि आपकी जो यूनिटी थी आदिवासी वर्ग, क्योंकि 50 विधायक हैं, साथ में सतनामी भी जोड़ लिए जाए, पिछड़ा वर्ग भी जोड़ लिए जाए, क्या ये सब मिल करके एक फोर्स नहीं कर सकते हैं? अभी भी ये पोजीशन है मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी अगर कह रहे हैं कि आप किसी के विचारों को रोक नहीं सकते, इंडिविजुअल विचार, आप किसको चाहते हैं किसको नहीं चाहते, ये व्यक्तिगत हो सकता है, और मेजॉरिटी अगर ऐसा चाहता है तो ये समझ लीजिए उसको आप मना भी नहीं कर सकते। मेरा एक सवाल है, क्या पार्टी फोरम में ये बात रखी गई है कभी किसी मौके पर? नहीं, पार्टी फोरम में तो क्या बोलते हैं वैसा बोलना उचित नहीं होता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बोलना चाहिए। आपने कहा छोटी मछलियों को खा जाती है बड़ी मछलियाँ, तो कभी क्या छोटी मछलियों ने इकट्ठा होकर बड़ी मछली को खाने की कोशिश नहीं की? नहीं, 15 सालों में आपकी सरकार को आदिवासियों की दशा और दिशा बदली क्या, या उस पर कुछ काम हुए कि नहीं हुए? नहीं, मैंने इसका भी उत्तर दे दिया ना कि क्या बोलते हैं, बस्तर का उदाहरण दिया, सरगुजा का उदाहरण है आपके सामने, मतलब पहले चुनाव में हम ज़्यादा आए, उसके बाद कम क्यों, इस विषय पर सोचना चाहिए नेता। किसानों को बोनस नहीं दे रहे हैं, इसका नुकसान होगा क्या? प्रशासनिक आतंकवाद की बात हमेशा होती रही, दिलीप सिंह जुदेव चले गए दुनिया से बोलते बोलते, बीच में आपने भी कोरबा कलेक्टर को लेके बहुत सारे आपत्तिजनक आपने सवाल उठाए थे, कुछ चीज़ों को लेके ODF वहाँ पे घोषित कर दिया था, बनाए नहीं थे शौचालय तब भी उसको ODF का तमगा दे दिया गया। आपको भी लगता है कि जो ये सरकारी मशीनरी है, जो अधिकारी हैं उच्च पदासीन, वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं लीडर्स को, और खास तौर से उन लीडर्स को जो ट्राइबल तबके से आते हैं? या ये मैं सही जवाब आपको मिल जाएगा इसमें, देखिए ODF का सब जगह आ रहा है जी, मैंने उसी संबंध में उठाया था जी, और जबकि आज कोरबा जिला में किसी भी पंचायत में शौचालय सही नहीं बना, मतलब बना ही नहीं,
आधा अधूरा बना होगा। आज ही जसपुर का पढ़ रहा था, रोज कहीं ना कहीं जिला का आता है जी। अब इसमें शासन में बैठे लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, माननीय मोदी जी इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं तो उनको भी बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, ये पैसे का भ्रष्टाचार किस तरह से कदर कर रहे हैं, ये बिल्कुल कांग्रेस से ज्यादा बढ़ गया ऐसा लगता है। वो एक मूवी आई अक्षय कुमार की, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप तो मोदी जी से तो मैं बोलूंगा तो सुनेंगे नहीं। एक मूवी आई है अक्षय कुमार की, टॉयलेट एक प्रेम कथा, हमने आज एक खबर लगाई अपने चैनल में, टॉयलेट एक भ्रष्टाचार कथा, क्योंकि लगातार ओडीएफ को लेकर भ्रष्टाचार को लेकर समाचार आ रहे हैं। तो आपने मुख्यमंत्री से बात की क्या कि ये नंबर बढ़ाने के लिए? नहीं, ये बताइए जी, आप जो बोल रहे हैं मेरे बोलने में क्या अंतर है? जी नहीं, आपके बोलने में अंतर है ना? नहीं नहीं, कोई अंतर नहीं। मुख्यमंत्री जी करते तो आपके बोलने से तत्काल क्या बोलते हैं, उस कलेक्टर को एक्शन लेते हैं, है ना? बिना, अच्छा मैंने तो बोला भी था जी, पेपर में बोला, चाहे उनको बोला तो उनको कार्रवाई कर देना चाहिए, ट्रांसफर मात्र नहीं है, उनको तो सस्पेंड करना चाहिए उस कलेक्टर। अच्छा नहीं, ये समझ लीजिए बिना, अच्छा यहाँ के अधिकारी ये भी बोलते हैं कि कोई सेंट्रल का जांच नहीं किया, उसके बाद ओडीएफ कैसे घोषित हुआ, मतलब आप समझो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन ओडीएफ के नाम पे छत्तीसगढ़ में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अरे हर चीज में भ्रष्टाचार, आप आज पेपर में उसमें कभी आया है बीच में कि ये आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में 20% पैसा ले रहा, अरे ये कम नहीं है, ये पेपर में आता है। मैंने पहले आपसे निवेदन किया था कि जो पेपर में छपता है उसमें तत्काल कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, और मैं जब जिस विभाग में था एक पेपर मेरे विरुद्ध में आ जाता था मेरे विभाग के, मैं तत्काल कार्रवाई करता जी। और इसी कारण से चाहे देखिए मध्य प्रदेश में कृषि में 27% सकल घरेलू उत्पाद था, आज कितना है 18% मध्य प्रदेश में जी। हमारे यहाँ तो 10-11 में हम सीमित हैं। पुलिस विभाग का भी अपराध कम हुआ, आप लोगों ने विधानसभा में पूछा कि भाई कितना अपराध में बढ़ोतरी हुआ, तो बोले पिछले 7 साल में अपराध में कमी आई, मतलब 5 साल को जोड़ दिए थे मंत्री जी, मैं उसको जी 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 है? आपके कार्यकाल की उपलब्धि गिना दी उन्होंने, गिना दिए और इसमें बढ़ा है अभी जी। तो देखिए क्या बोलते हैं, आप लोगों के कारण हम विभाग में कसावट लाते हैं, मैं तो लाया और सफल हुआ। पीडीएस में आज देख लीजिए, आज रोज हम पेपर में, आप ही लोगों पेपर में पढ़ते हैं कि वहाँ चावल नहीं बटा, मिट्टी तेल नहीं बटा, शक्कर नहीं बटा, मतलब क्यों ये कसावट नहीं है। और इस बात को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बोला हूँ, ये बोलने पर उसका असर होना चाहिए ना जी। मैंने अब तक राय की वजह से प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही दोनों घटी। देखिए वो लोग, आप ही लोग कहते हैं ना, घोड़ा का लगाम ठीक से नहीं पकड़ने वाला हमेशा उसी को गिराएगा, तो प्रशासन गिरा देगी सरकार, ये बड़ी बात। मोदी जी कितना का करेंगे, अरे हो तो रहा है वहीं से ज्यादा। मोदी जी तो कह रहे मैं खाऊंगा भी नहीं और खाने भी नहीं दूंगा, उन्हीं की योजनाओं पे खा रहे हैं, ओडीएफ तो उन्हीं की योजना है। देता उसी के साथ जी नक्सल कमल जी, मेरा एक सवाल ये था कि आप जब गृह मंत्री थे तो यज्ञ भी कराते थे बहुत, और सूखे को लेकर के बड़ी चिंता आपकी रहती थी, जब से आप सरकार में भी है 2 साल से हम सुखे की स्थिति को जी, यज्ञ भी नहीं कराया किसी ने, अनिल जी ने आते से टोका कि यज्ञ नहीं हो रहे, वरुण देव को प्रसन्न कौन करेगा, लेकिन मैं इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जोड़ूंगी सुखनंदन जी की जो उत्सुकता है, जो अनिल द्विवेदी जी जाहिर कर चुके हैं पहले कि आप मंत्री थे तो आपको प्रदेश की चिंता थी, आप यज्ञ करा रहे थे, अब आप मंत्री नहीं है तो आप यज्ञ नहीं करा रहे हैं। था तो भी कराया था, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा था क्या बोलता है, किसी को चिंता नहीं है तो मंत्री आप कोई क्यों चिंता, अभी मंत्रियों को भी कोई चिंता नहीं है जनता की। देखिए ऐसा है, अभी भी मैं समझता हूँ कि सत्यम शिवम सुंदरम, आपने पहले ही बताया कि मैं सत्य को बोलता हूँ जी, तो उसके कारण भगवान भी सुनता है सर। मैं अभी मैं कहता हूँ समय खत्म हो गया, नहीं तो अभी भी यज्ञ कर लो पानी गिर जाएगा, लेकिन उसका फायदा आपको। अभी तो कृषि मंत्री तो बचने में लगे हुए हैं, वो खुद ही को बचाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बचे तो जनता के लिए कहा जाए, दोनों आपस में भिड़ रहे हैं वो जनता के लिए कब यज्ञ कराएगा, बस अपने ही बचने के लिए यज्ञ करा रहे हैं। सर ऐसा क्यों, ऐसी परिपाटी क्यों है छत्तीसगढ़ में, मैं जज से क्षमा चाहूंगी क्योंकि आपसे बात करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। छत्तीसगढ़ की एक परिपाटी है कि गृह मंत्री जो होते हैं
वो बलात्कारियों को लेके अपने बयान उनके बड़े ऊटपटांग होते हैं। आपने भी एक बार कह दिया था आप जब गृह मंत्री थे कि ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। अभी राम सेवक पैकरा जी ने बोला कि सत्संग में ले आओ इनको ठीक हो जाएंगे, सत्संग नहीं मिलता लोगों को इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसे बयान क्यों आते हैं इतने संवेदनशील मुद्दे पर? नहीं नहीं मैंने क्या कहा, ग्रह नक्षत्र आपने कहा था, वो बड़े बड़े हेडलाइंस थी अखबारों की और दिल्ली तक ने उसको उठाया था। मुझे अच्छे से याद है कि ननकी राम जी कह रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे महिलाओं के। आपको नहीं मानते हैं तो मत मानते। नहीं हम लोग बिल्कुल मानते हैं, लेकिन हर चीज को ग्रह नक्षत्र से क्यों जोड़ा जाए? इतनी संवेदनशील तक क्राइम गंभीर क्राइम है। नहीं नहीं उसमें कार्रवाई होता है जी। तो बात में अपन कहते हैं कि भाई किसी का दशा ठीक नहीं है वो अलग मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है क्या बोलते हैं उसमें कार्रवाई नहीं हुआ होगा। पैकरा जी तो सत्संग में बुला रहे हैं तो सरकार सत्संग भी आयोजित कर दे लगे हाथ। सत्संग में तो देख रहे ना डेरा वाला क्या है, बाबा लोगों का है सत्संग जी जी। तो ये जो पूरी खटपटाहट अभी पूरी बीजेपी में उथल पुथल जो मची है, सरकार में जिस तरह के करप्शन के मामले सामने आए, अफसरशाही जिस तरह निरंकुश है, जिस तरह से और भी मामले इशू हैं, सरकार की छवि कहीं ना कहीं खराब हुई है, आपको लगता है कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है आने वाले चुनाव में? कांग्रेस तो गई, देखिए इसमें कोई हो जाए ना सामने तो अलग पार्टी हो सकता है आज की स्थिति में। भाई पूरा देश की तो नहीं बोलता लेकिन कम से कम छत्तीसगढ़ की स्थिति में बहुत खराब है। और जोगी जी की क्या स्थिति है आपके हिसाब से? जोगी तो और बर्बाद पार्टी है। जो एक बार देखिए जोगी जी को मैं आज भी बोला विधानसभा में बोला था, उनका कोयला चोरी करवाते थे सडर में जब कलेक्टर था तो बोला था याद होगा किसी को। और जो यहाँ काम किया है कोई उससे खुश नहीं है, ठीक है इकट्ठा कर दे। फिर दूसरी चीज एक सामाजिक जो बंधन है, कंवर लोग कंवर नहीं कहेंगे और वो कंवर अपने को कहता है, इसलिए सतनामी लोग वो तो खैर साथ में रहेंगे उनको तो ठीक लग रहा होगा, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से उसको पसंद भी नहीं करेगा। राजनीतिक दृष्टि से वो एक कलेक्टर रहा तो कलेक्टर के जो वो है ना उसमें जरूर है और विद्वान है, ये भी मैं बोल रहा हूँ योगी जी बहुत विद्वान है लेकिन वो नटखट में जिसको बोलते हैं ना डिस्ट्रक्टिव वर्क उनका है, इसलिए योगी जी सफल जी जी। मैं बतला रहा था कोई तीसरा छत्तीसगढ़ की बात बोल रहा हूँ, बीजेपी की बात नहीं बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में कोई तीसरा आदमी ऐसा आ जाए तो उसको मानू या ना मानू उनको मानना है वो समझेंगे जी जी। हाँ मैं तीसरा व्यक्ति की नंद कुमार साहब जी ने तो खुल करके कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, खुल करके कहा था उन्होंने, आप सपोर्ट करते हैं क्या? उनका विचार हो सकता है, मेरा विचार दूसरा भी हो सकता है। मैं तो कहता हूँ नेतृत्व तो आज बीच में तो हमारे महामंत्री जी का भी आया था ना, थोड़ा सा आप लोग पूछते पूछते वो चालाक महामंत्री है इसलिए बदल दिया, मैं चालाक नहीं हूँ मैं सीधा बोलता हूँ। नहीं आपकी बेबाकी सर, साफ वॉइस से सब परिचित हैं, ऐसा नहीं है, खुद मुख्यमंत्री भी मौजूदा परिचित हैं। कंवर जी ये बताइए कि पहले विचारधारा के आधार पर पार्टी खड़ा हुई, अभी फंड मैनेजर उस पर कब्जा कर लिए ऐसा भी माना जाता पार्टी, इसलिए एक निराशा की भाव आई, भ्रष्टाचार की बात ज्यादा हुई, ये ऐसा कुछ है क्या? नहीं मैं न कभी फंड दिया न कभी फंड जो दे रहे हैं इसलिए क्या बोलते हैं, नहीं आपको जानकारी हो तो आप कह सकते हैं, मुझको जानकारी नहीं है कि फंड मास्टर कौन है। कंवर जी आप गृह मंत्री भी रहे और नक्सलवाद अपने छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा इशू है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप गृह मंत्री रह चुके हैं, नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाए? आप ऐसा क्यों नहीं कहते मैं गृह मंत्री था उस समय, राजनांदगांव में कहीं अता पता नहीं था, अंबिकापुर ठीक हुआ था, गरिया बंदोग्राम किनारे किनारे की जिला सब ठीक हुआ था, बोलना चाहिए कि आप थे तो उस समय खत्म। नहीं मैं उसमें एक बात कम पड़ गया, उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी, मैं गवाह हूँ उस चीज की कि ननकी राम जी ऐसे पहले चीफ मिनिस्टर थे, दर्शक भी इस बात को जान लें कि कोंटा जैसे इलाके में जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ का बिल्कुल कोना है, नाम भी कोंटा है, कोंटा में आप उस वक्त आप बकायदा गए वहां, आप रात रुके, लोगों से आप मिले, और मैं गवाह थी, मैं साथ में गई थी ननकी राम जी के, तो वो ना कोई मुख्य पहले उसके पहले गृह मंत्री गया है वहां तक,
ना कोई गृह मंत्री इनके बाद कभी वहाँ गया, तो ये तो वाकई में आपके जज्बे को सलाम है, पर ये लगता है हम लोगों को कि गृह मंत्री फिर से बन जाना चाहिए आपको, तो थोड़ा सा राहत लोगों को मिले। आप नहीं चाहते कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं? आप ही नहीं चाहते, हम तो बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, आप खुद ही आप स्वीकृति नहीं दे रहे हैं उसपे। हम तो चाहते हैं कि आप बिल्कुल मुख्यमंत्री बने। और आदिवासी एक्सप्रेस चलाएंगे क्या ये? देख देखिए ना, मैं मुख्यमंत्री, मैं तो एक साधारण किसान जी, मैं चलाता हूँ, मैं खेती करता हूँ, जहाँ रहता हूँ वहाँ काम करता हूँ। चलिए हाजिर हूँ मैं। वैसे तो सबकी इच्छा है कि ननकी राम जी से बातें खत्म ही ना हो, चलती रहें, बहुत इंटरेस्टिंग ये बातचीत हो रही थी, लेकिन चूंकि समय की एक सीमा होती है इसलिए हाजिर हूँ मैं आज, इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। फॉर एक्सक्लूसिव न्यूज कीप वॉचिंग छत्तीसगढ़'स फर्स्ट ऑनलाइन न्यूज चैनल अनपोर्टल क्लिप्स.इन।